वेलकम बैक टू माई चैनल जायका वैली में, और मैं शमा आफ्ताब अहमद। और आज शाम से मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग बनाना, जो कि मैं बनाने जा रही थी डिनर के लिए चिकन। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। बहुत छोटा सा व्लॉग होगा और बहुत ही ज्यादा टेस्ट। और शाम हो चुकी है, आज संडे है, शाम हो चुकी है। सुबह से मैंने कुछ भी शूट वोट नहीं किया था, अभी मैं जस्ट किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। और शाम के बज गए हैं 7, शाम के 7 बज गए। और आज जो मैं बनाने जा रही थी चिकन, सिंपल सी झटपट बनने वाली चिकन करी रेसिपी उसकी, तो यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से धो के साफ करके ले लिया है। 1 kg ये चिकन है, तो अभी मैं इसको पहले थोड़ी देर के लिए 15-10 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखूंगी। तो उसके लिए सिर्फ मुझे जो चाहिए वो नमक चाहिए और नींबू चाहिए। और वहाँ पे धमाका हो गया, तो यहाँ पे एक लेमन जूस पूरा जाएगा। अगर आप जो भी लेमन आपने लिया उसका रस बहुत कम है तो आप दो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए इसको मैरिनेट करना। दिख रहा है प्रॉपर? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं काम करूँगी, ये लेग पीस है जो कि बहुत ही नाइफ लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये चीज़ होता है कि लगा नहीं है, मतलब इसके ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए नहीं आता क्योंकि सादा ही डाल देते हो आप, इसलिए। तो इस तरह से प्रॉपर गहरा गहरा कट लगाना होता है। तो उसके बाद जो भी नमक मसाला होगा ना वो प्रॉपर इसके अंदर घुस जाएगा, मतलब भीग जाएगा। जितने भी आपके बोनलेस बहुत सारे पीसेज हैं उसमें आप इस तरह के गहरे गहरे कट लगाने एकदम से, तो वो अंदर तक भीग जाता है और जो भी मसाले और सारी चीज़ें होती हैं वो सब बढ़िया तरीके से मसाला घुल मिल जाएगा। वो मैं लिख के पार्टी करेंगे, ठीक है? ये कैसे पता है? ठीक है, उसको एक प्लास्टिक में कर लो और पूरा। तो चलिए इसको मैरिनेट करते हैं। और यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लीजिए। मैं यहाँ पे भरपूर नमक ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून। अगर हल्का कम लगेगा तो मैं फिर थोड़ा सा डाल दूंगी टेस्ट करने के बाद, ठीक है? और यहाँ पे फुल लेमन जूस जाएगा पूरा। जब आपको कोई भी मैरिनेशन में कुछ नहीं चाहिए तो, लेकिन ये चीज़ आप मैरिनेशन जरूर करें, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा खेल के बाहर आता है। और ये लेमन में बहुत ज़्यादा रसीला है, अभी मैंने मेडिकल मार्केट से लाई, बहुत ही फ्रेश लेमन है और छिलका बहुत पतला है तो जूस अच्छा खासा निकल आता है, ठीक है? ये सारा जूस इसका निचोड़ लिया है। और अब ये क्या करना है, अपने हाथों से बढ़िया इस तरह से मिक्स कर लेना यहाँ पे दूसरे के नहीं लेंगे अपने यहाँ, है ना? अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए लेमन में और नमक में, और इसको बस साइड में आप रखिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने 5 बड़े चम्मच भर भर के ऑयल लिया है और थोड़ा सा तीरेदार बनेगा ये, ठीक है? फ्लेम बिल्कुल हाई फ्लेम पे है। और यहाँ पे मैंने 5-6-7 प्याज को बहुत ही बारीक बारीक देखिए चॉप कर लिया है चॉपर में। और जाएगा अदरक लहसुन पेस्ट। जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ पे मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर लेंगे 1 साली कटोरी, दिख रहा है भाई? ठीक है, ये यहाँ पे ले लिया सादी कटोरी। और ये दही, दही मेरे ख्याल से डालने ही भरता है, तो सादी कटोरी वापस रख दो और सारा मसाला इसमें जाए। ये एकदम सूखी दही है और ये लगभग होगी 3 बड़े चम्मच। और इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, गाई देसी का, और जाएगा हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। मैंने पहले से निकाल के मसाला नहीं रखा, डायरेक्ट निकाल रही हूँ, डाल दूँ, ठीक है? धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून भर भर के, यानी लगभग 2.5 टेबल स्पून के आसपास। और जाएगा गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ मेरा होममेड गरम मसाला खत्म हो गया। और इसको जब मैं बनाऊंगी फिर इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली गरम मसाला जो होममेड गरम मसाला वो मम्मी बनाती हैं, तो मैं दिखाऊंगी आपको जो मम्मी बनाने लगेंगी। और यहाँ पे मैं डालूंगी कश्मीरी मिर्च लगभग 2 टेबल स्पून भर के, क्योंकि मुझे तीरा बनाना है एकदम सब रेड, तो फूड कलर कोई यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे जाएगी थोड़ी सी तीखी मिर्ची आधे से कम, ठीक है? ये मसाला यहाँ हो गया और इसके अंदर जो है ये मसाला सारा कुछ हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं लूंगी नमक, थोड़ा सा, आधे से भी कम, बहुत थोड़ा सा। आप इसको सब कर दूंगी अच्छे से मिक्स। देखिए मैरिनेशन में खाली हमने किया है मैरिनेट चिकन को सिर्फ लेमन जूस एंड सॉल्ट से, और उसमें कुछ भी मैरिनेशन में नहीं लिया है। बाकी मैरिनेशन यहाँ तैयार हुई एकदम सूखे मसाला। अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है, बढ़िया से दही के फुक्के ना दिखें इसमें, ठीक है? इस तरह से प्रॉपर बढ़िया दिख रहा है,
थोड़ी सी मदर भैया ओके अभी जाएगा थोड़ा आखिर में जाएगा इसके अंदर मेथी का कसूरी मेथी मतलब कसूरी मेथी और अभी जो तड़के के लिए जाएगा वो जाएगा थोड़ा ब्लैक ये दालचीनी मिर्चे का झाड़ लग गया एक इंच दालचीनी का टुकड़ा और ये मेरे बेटे पर डाल रहे हैं और एक इलायची एक लौंग डाल दूंगा आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं अगर आप ज्यादा डालना चाहते तो बेसन आप डालिए नहीं डालना चाहते तो बेसन जितना मैं डालू उतना ही डालिए और यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ कसूरी मेथी जो कि जाएगा इतना सा ये भी मसाले में ही डाल देती हूँ बहुत ही जल्दी सिंपल सी और टेस्टी सी बन की रेसिपी रेडी होती है और ये बहुत यम्मी लगती है आप जरूर ट्राई कीजिएगा ठीक है तो ये हो गया अब इसमें तेज पत्ता भी जाना था जो कि नहीं गया अब जाएगा ये और मिर्ची जो मेरे हाथ में लगे थे लग रहा मुँह पे लग गया वो जलन हो रही है अच्छा ये तड़क गया ना बढ़िया अब इसके अंदर जाएगा धनिया अरे ये क्या है अनियन पूरा प्याज हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करना बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन करना है और एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है जो जलने वाला वो बिल्कुल भी नहीं करना है जो खूबसूरत सा ब्राउन आता है वो करना तो फ्लेम अभी बिल्कुल हाई है बिल्कुल ध्यान से आप अगर हाई फ्लेम है तो उसको बराबर स्टर करते रहिए नहीं तो वो साइड साइड से जलना शुरू हो जाता है ठीक है अभी ये हो रहा है यहाँ से यहाँ देखिए ब्राउन होना शुरू हो गया प्याज आपको दिख रहा है ना ब्राउन होना तो इसी टाइम पे मैं यहाँ पे ये चिकन डालूंगी पूरा फ्लेम बिल्कुल हाई है इस चीज का लेकर ध्यान दीजिए फ्लेम हाई है और मैं हाई फ्लेम पे ही इसे प्याज में बहुत ही अच्छे से भूनना है मतलब बहुत अच्छे से तो हल्का सा ब्राउन ब्राउन का डॉट पड़ जाए तो बहुत ही गजब का टेस्ट आता है क्या कर रहे हैं दाढ़ी बना लो पूरा ठंडे निकल गया ये हाई पे भुनेगा तब तक की जबकि इसका पूरा चिकन जो पानी खोलेगा वो ड्राई ना हो जाए और इससे हल्के हल्का हल्का डॉट ना जाए डॉट ना आ जाए मतलब और फ्लेम बिल्कुल हाई रहेगा ओके तो यहाँ पे देखिए बढ़िया सा चिकन की भुनाई हो गई है और ये देखिए डॉट मैं यही चीज बोली थी कि लगभग हर चिकन में डॉट आने चाहिए और यहाँ देखिए लेफ्ट साइड से भी आ चुकी है लेफ्ट साइड से तो अब हम अभी इसको थोड़ा सा और फ्राई कर दें फ्लेम बिल्कुल हाई ही है धीमा मैंने नहीं किया था फ्लेम हाई ही है हाई फ्लेम पे ही करना थोड़ा सा ये और हो गया एक से दो मिनट उसके बाद हम इसे मसाला को डाल देंगे केवड़ा तो यहाँ पे देखिए मैं केवड़ा मांगती हूँ डालने के लिए अपना चिकन के अंदर बहुत ही पसंद आता है उसका फ्लेवर जो आता है ना वो बात करता यहाँ पे ये भुनाई होगी अब यहीं पे हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे एकदम अच्छी तरह से क्लीन करके मसाला डालेगा और इसमें सारा मसाला अच्छे से निकालने के बाद जरा सा पानी डालना है और फिर हमें इसको डालना है तो मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनाएगा और टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सबको पसंद आता है और चलते फिरते ये बन जाता है इसमें बहुत ही ईजी होता है और यहाँ पर मैंने यहाँ पर अच्छे से पूरा मसाला डाल दिया मम्मी आई देखने क्या बन रहा है कैसे बन रहा है हमें और अब हम इसको मिक्स कर देंगे और मसाला अच्छी तरह से हमारा भुनना चाहिए ये तीरे डाल है तीरे में तीरा तो बनना चाहिए और ये यहाँ पे फ्लेम को हाई ही रखना है हाई फ्लेम पे ही हमें करना है बस ये जिसका ध्यान देना मसाला लगना नहीं चाहिए ये थोड़ा सा केयर करने वाली बात होती है यहाँ पे लगना नहीं चाहिए बट फ्लेम को हाई रखना बहुत ज्यादा आप तो थोड़ा सा लो कर सकते हैं मीडियम हाई फ्लेम पे और क्योंकि आपको ये भी देखना चिकन गल चुका है पूरी तरह से नहीं थोड़ा सा गल चुका बस ये मसाला भुनेगा और जितनी हमें आपको ग्रेवी चाहिए बस उस ग्रेवी में ये रेडी हो जाएगा मतलब उसमें थोड़ा सा और कुक होगा और ये मेरा केवड़ा जल आ गया जिसका रैपर निकल गया है ये डाबर का है उसको मेरे बेटे ने निकाल दिया तो इसलिए भाई ये ना सोचना कुछ भी है केवड़ा ही है रियल खुशबू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा बीच बीच में स्टर करते रहें ताकि मसाला ना लगे अगर आपको थोड़ा सा गैस को छोड़ के जाना है तो जैसे मुझे जाना है गैस के पास खड़े ना अभी थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो रहा है मैं मीडियम हाई फ्लेम जैसे मैंने बताया उतना मैंने कर दिया और मैं यहाँ से थोड़ा सा हटूंगी क्योंकि भाई आप पसीना देख रहे हो और अभी मैं शाम के वक्त में गई थी मार्केट अमीनाबाद गई थी वो भी इसलिए कि मेरे बेटे का लाना था डायपर जो कि खत्म हो गया था तीन दिन से हो रहा था कि लाना है लेकिन ये नहीं हो रहा था कब जाना है तो मैंने कहा ठीक है संडे को चलेंगे थोड़ा सा मैं अमीनाबाद कर देख लूँ बंद होने पर अमीनाबाद कैसा लग रहा है भाई आज पता चल रही है कि अमीनाबाद की रोड कितनी चौड़ी चौड़ी है नहीं तो वैसे ना लगता था कि रोड ही है रोड है भी कि नहीं है
ऐसा मेरी स्लीव देखिए ऐसे चढ़ी हुई स्लीव चढ़ा के खाना बन रहा है। और एक चीज़ और, मीशो से मैंने अपनी मम्मी के लिए ऑर्डर किया था सूट, जी सूट ऑर्डर किया था कॉटन का, और वो आज ही डिलीवर हुआ है। वो मैंने 5-6 दिन पहले ऑर्डर किया था। कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसका। क्या बताऊँ कितना खूबसूरत सूट है, मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा कैमरा सेट करूँ, कैमरा क्या है मोबाइल ऐसे ना ठीक, इतना तो ठीक ही है। और ये देखिए जैसा दिखाया था बिल्कुल वैसा आया है। ये कुर्ते का कपड़ा है, ये इस तरह से कटेगा, मतलब यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, दामन पे आपके इस तरह का बॉर्डर आएगा, ग्रीन कलर है इस तरह से, और पूरे सूट पे कुर्ते की प्रिंट है, इस तरह से प्रिंट दिया हुआ है, बेड़े बेड़े ऐसे है, इस तरह की प्रिंट है। और ये 2.25 मीटर का कुर्ते का कपड़ा है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, मतलब गर्मी में आप पहन, और ज़रा सा भी ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल भी, देखिए ट्रांसपेरेंट ज़रा सा भी नहीं है, थिकनेस भी है बट सॉफ्ट, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। और बहुत ही खूबसूरत वाला ग्रीन कलर जो होता है ना, एकदम से ग्रीन कलर, वो वाला ग्रीन कलर है, और बहुत ही बढ़िया कपड़ा है, कपड़ा बहुत अच्छा आया है, बहुत बहुत बेहतरीन कुर्ते का ना, इसका शलवार का कपड़ा, अच्छा शलवार बनाए, प्लाजो बनाए, शरारा बनाए, गरारा बनाए, कुछ भी बनाए, शाइनिंग बहुत ही अच्छी आपको दिख रही, शाइनिंग बहुत अच्छी, सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। और मुझे लगा था थोड़ा सा जो मोटा कॉटन होता है ना उस तरह का आएगा, लेकिन टोटल इसके अपोजिट आया। मेरी आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, और ये भी 2.25 मीटर का कपड़ा है, 2.25 या 2.5 मीटर का है, और ये इतना बिल्कुल ग्रीन कलर, बहुत अच्छा वाला ग्रीन कलर है। वो मेरा बेटा देख रहा है वहाँ से, मम्मा क्या कर रही है, ठीक है। ये ग्रीन कलर बहुत सॉफ्ट, सिल्की, शाइनिंग बड़ी अच्छी, पहनने पे बहुत आराम मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा। जैसे आप मीशो दुपट्टा देखो कितना छोटा, ऑफिस जाते हैं या फिर कहीं भी आप जॉब करते हैं, जॉब की पर्पज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा, और अगर आप घर में पहनना तो उसके लिए भी बहुत अच्छा। दुपट्टा गजब है, ये पूरा ये आँचल है, ये इस तरह का पूरा आँचल दिया हुआ है, आँचल पे इस तरह का है, और उसके बाद तो फिर बीच में दुपट्टा ऐसा है, मतलब ऊपर में इस तरह से दिया, फिर बीच में ये ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट है, फिर नीचे ये फिर ऐसा बॉर्डर है, और ये पूरे दुपट्टे पे ऐसा दिया हुआ है। दुपट्टा भी 2.25 मीटर का दुपट्टा है फुल, और बहुत अच्छा दुपट्टा, मैं ओढ़ के दिखाती हूँ आपको। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अभी वॉश होगा बहुत अच्छा है, मतलब ये देखिए लेंथ 2.25 मीटर, चौड़ाई भी बहुत ही अच्छी चौड़ाई भी है इसकी, तो फर्स्ट क्लास दुपट्टा है, सूट है जो बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, जैसा उसने दिखाया था उससे भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा, मैंने जैसा सोचा था उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर आया है। और सूख जाने दो, धीमा कर, मैंने कुकर की सीटी आ रही है, इसमें मैंने पुलाव को चढ़ा दिया था, पुलाव में मैंने कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा पुलाव बनाया, मतलब उसमें मैंने रिफाइंड या देसी घी आपको डालना वो डाल दीजिए थोड़ा सा, जितना आप चावल बना रहे हो, और उसमें मैंने चक्री फूल और तेजपत्ता डाल दिया, तड़क गया, बस चावल डाला, थोड़ा सा नमक डाला, पानी अपनी मेजरमेंट के हिसाब से रखा, बस सिटी आ गई, हो गई, मसाला बुन रहा है चिकन का, तो मैं इधर आ गई थी। तो ये सूट बहुत अच्छा है, ज़रूर परचेज कीजिएगा, मीशो से कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जब मम्मी उसको पहन लेंगे तो भी मैं दिखाऊंगी आपको कितना कैसा लग रहा है, क्योंकि मम्मी मैं जब से देख रही हूँ मम्मी को तो वो साड़ी ही पहनती हैं, लेकिन अब उनकी रिसेंट में रमजान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अब वो थोड़ा सा वीकनेस टाइप का हो गया, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, एक डेढ़ महीना तक की तबीयत खराब थी, मतलब सब घर में डर गए थे क्या हो गया, तो अब थोड़ा सा साड़ियों से नहीं संभल रही है, तो ये हुआ कि आप सूट पहन लीजिए आपको जिसमें आराम मिले, तो इसीलिए अभी इससे पहले भी एक बार सूट मंगाया था तो मैं पहनी, और अभी मैं ये सूट है, अब इसको देखते क्या करती है, और एक सूट अभी मैंने और ऑर्डर किया उसी दिन का, लेकिन मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ, शायद एक दो दिन में वो भी रिसीव हो जाएगा, तो उसको भी देखते कैसा आया, बट इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जरूर जाकर परचेस कीजिए। और ये जो प्राइस थी 562 रुपये, 562 में मुझे ये रिसीव हुआ है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा है, आप शॉप पर जाओगे तो 1000 से नीचे का इस तरह का सूट नहीं मिलेगा आपको। अरे कितनी सी आ रही भाई साहब, पुलाव की जगह उसका मलिदा बन जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं फटाफट किचन के अंदर, और चावल हो गया, अब देखते हैं यहाँ पे मसाले का क्या, माशाल्लाह बहुत ही दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम, यार लाइट थोड़ी धीमी लग रही है, और ये मसाला तो मैं इस तरह सलाड़ी खींच के लगाओ तो छूट जाएगा, बहुत ही लजीज देखने में लग रहा है माशाल्लाह से, खाने में तो और ज़्यादा लजीज लगेगा, और ये तो तब पता चलेगा जब खा के मम्मी आपका सब, अब गोश्त देखिए गल गया, इतना चेक भी नहीं करना, फिर भी मैं कर देती हूँ, ये बहुत ही अच्छा गला हुआ है, तो तेल तो बहुत अच्छे से छोड़ दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी इसको फ्लेम बिल्कुल धीमा कर देती हूँ, और अभी ये मैं थोड़ी देर और 1 से 2 मिनट तक का और भूनूंगी, है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बन के रेडी हुआ है। तो लगभग 2 मिनट हो चुका, मैंने छोड़ दिया था इसको धीमे आंच पे, बिल्कुल
और अब मसाला बिल्कुल भूल के रेडी हो चुका है। कलर देखिए जिस तरह से चाहिए था बिल्कुल वैसे कलर आया और तेल सारा छोड़ दिया इसने। अब थोड़ा सा ग्रेवी मुझे लगाना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और फ्लेम को हाई कर देना और एक बार इसको मिक्स कर लें। बस मैंने बस इतना लगाया इसमें, एक ही अच्छे से उबाल आ चुका है इसमें, देखिए कुकिंग इसकी चालू है। अब मैं इसको थोड़ा धीमा कर देती हूँ और इस टाइम पे मैं डालूंगी यहाँ पे अपना फेवरेट केवड़ा जल, और यहाँ पे मैंने साइड में थोड़ी सी धनिया भी काट लिया था गार्निशिंग के लिए। पहले मैं यहाँ पे डालूंगी केवड़ा लगभग एक टेबल स्पून या दो टेबल स्पून, पता नहीं बड़ा इसका टेस्ट की खुशबू जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। केसर का हो गया, केवड़े का हो गया, वनीला एसेंस हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे, अब फ्लेम देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा, अब लास्ट में यहाँ पे हम कवर करेंगे कढ़ाई को, कढ़ाई को मैं कवर कर दिया है और ये 2-3 मिनट कुक होगा बस, उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को फिर मैं बंद कर दूंगी 2-3 मिनट तक के लिए ये मैं कुक करूंगी, ताकि जो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ग्रेवी के लिए अच्छी तरह से कुक हो जाए, मिक्स हो जाए। यार गर्मी बेनतहा है। अच्छा मैं गई थी ना मार्केट में, बात ही रह गई वहाँ से, तो वहाँ पे क्या हुआ, इतनी ज़्यादा भयंकर धूप अल्लाह तौबा कि मेरी आंखें पूरी रेड हो गई थी। इस लेफ्ट वाली जो तो साइड में स्वेलिंग आ गई थी बिल्कुल रेड, और मुझे लगा क्या हो गया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी कोई दुपट्टे का, प्योर कॉटन दुपट्टा भिगवा कर इस तरह से रखा हुआ था, फिर अब मेरी आंखों कुछ रिलैक्स हुआ है। इतनी कड़क धूप में बिना किसी अर्जेंट काम के प्लीज़ बाहर मत निकलिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। और आप लोग आज आप लोग इतनी बोलने वाली हैं और आज बहुत ही धीमे धीमे बोल रही हैं, ऐसा जनरली होता नहीं है कि मैं बहुत कम बोलूं या फिर बहुत धीमे धीमे बोलूं, है ना। बहुत ही रेयर केस होता है जब मेरी वॉइस इस टाइप से निकलती है, जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो या बहुत ज़्यादा तबीयत में कुछ हो, सर दर्द हो, है ना, इसलिए। और हम कैमरा और हम, अरे मेरे बेटे हाय, क्यों मम्मा तो तिशी, मम्मा तो तिशी सुनो, मम्मा तो तिशी, अरे अरे हाँ मैं थोड़ा कैमरा दो, हाथों को रिलैक्स है ना। तो ये मेरा शोन है सब, ये था जितना डायपर लेने गई थी मैं, आपका डायपर आया, हाँ आपने देखा नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, किचन से जाइए 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 कमरे में, गई गई जाइए मेरी पास, जाइए पापा, पापा देख रहे, पापा क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं गर्मी बहुत है, आप नहीं सुनेंगे, ठीक है। अच्छा अभी 1 मिनट तो बन चुका है, 1-2 मिनट और बनेगा फिर मैं मिलती हूँ। 2 मिनट हो गया है और ये कुक हो चुका, क्या हो गया ये देखिए माशाल्लाह क्या तीरा है ना। अब इसको मिक्स करिए, ऊपर से ग्रीन कोरिएंडर, वाह खुशबू तो माशाल्लाह बहुत लाजवाब आ रही है। अब ये मम्मी, और मम्मी कह देती है अच्छा बना, और आपका ये तो हाँ वेल मछा खुशबू, गैस की फ्लेम को करिए बंद और अब इसको खाने कर लीजिए आप लुत्फ उठाएं। और मैं कर देती हूँ बंद, बहुत ज्यादा जल रहा है, बहुत जल रहा है भाई साहब। और एक लोग से भी मैं मिलवाती हूँ आपको, भाव खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा, ये मेरा सेटअप को हरदम घुमाना पड़ता है, उसको सेटिंग नहीं हो पाता, कहीं जगह ही नहीं समझ में आती मुझे, कहाँ करूँ कहाँ करूँ। अंधेरा लग रहा है क्योंकि आवाज आ रही है, कोई तो नहीं बोल रहा है, रूम में हूँ लाइट बंद है, जरा जरा सी मैं दिख रही हूँ। दिख गई आज सोना, आपका डायपर देखिए वहां पे आया हुआ है, आ जाइए, ये मेरा हीरा सा बेटा है ना। बोलिए व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी मम्मा के चैनल को, जल्दी से 100K पहुंचा दीजिए, है ना। छोटू सा बेबी कह रहा है भाई सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई तो जरूर बताइएगा, ठीक है। आज बहुत ही ज़्यादा छोटा सा ब्लॉग था, एक्चुअली मन नहीं हो रहा था मेरा आज, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा आज ख़राब है, एक तो गर्मी से, दूसरा ये आंखों की जलन जो हो रही है उससे बहुत ज़्यादा,
लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं बना रही हूँ तो आपको भी रेसिपी जरूर शेयर कर दूँ। बंद कर दो भाई, दरवाज़ा बंद कर दो। ठीक है, मैंने कहा कि रेसिपी आपको ज़रूर बता दूँ, क्योंकि आप मुझे बोलते बहुत अच्छी रेसिपी है आपकी, या फिर बहुत अच्छा लगा तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़रूर बताना आप सब लोग। और आप लोगों ने ध्यान दिया, मैंने ये चेंज कर दिया, और इस मंगलसूत्र के साथ में जो आई थी इयर रिंग थी तो बड़ी खूबसूरत ना, ये इसके इसी तरह स्क्वायर शेप में थी, उसकी जो डंडी थी ना बहुत लंबी थी, तो सोने में चुभती थी, धस रही थी, इसलिए अभी मैंने उसको निकाल दिया। अभी ज्वेलरी शॉप ओपन होंगी तो मैं उसको थोड़ा सा कटवा दूँगी, तो पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैंने ये फिर बाली पहन ली अपनी वापस दोनों। इसमें यहाँ पे छोटू सी डिज़ाइन है, मोती ये प्लेन है। और यहाँ मैंने नोज़ पिन भी चेंज कर दी है, ये वाइट नोज़ पिन है, वो वाली नोज़ पिन थोड़ी उठी हुई थी तो हम बार बार उसको ऐसे ऐसे करते रहते थे, तो मैंने कहा गला में चेंज, ये चिप्पी है जब से नहीं दबी हुई है तो उनको उतना नहीं समझ में आ रहा है, तो वो नहीं उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी, और आपके साथ बहुत ही जल्दी एक नई रेसिपी और नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी, बहुत ही अच्छे मूड से और बहुत ही अच्छी तबीयत के साथ में। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, और आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी पसंद आई हो, ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को अभी तक जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके अच्छे से और आप देख सकें। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और मौज पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाइए फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको आईडी या दोनों की मिल जाएगी, और यहाँ ऊपर भी मिल जाएगी, तो आप जाके वहाँ पे सर्च करें देखें और बताएं, वहाँ पे मेरी बहुत ही ज़्यादा फनी फनी कॉमेडी सी वीडियोज मिलेंगी आपको देखने के लिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग और रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और इतनी कड़क धूप में प्लीज़ बिल्कुल भी मत निकलिएगा। और मैं जब गई थी पता है टाइम क्या हो रहा था, 3 बजे की दोपहरिया में मैं गई थी, एकदम सूरज ऐसे लग रहा था। तो खैर अब तो वापस आ गई, थोड़ा रिलैक्स भी है आंखों को, आने के बाद में मसाला चाय पी, और मसाला चाय बनाने की रेसिपी मेरे पहले के ब्लॉग में जिन लोगों ने देखा है तो आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया वो भी बताइएगा, और जो लोगों ने नहीं देखे वो लोग भी जाके देखें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप जाके देखें, और मौज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें मुझे, और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबको तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोगों ने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है जाएं सब्सक्राइब करें, या 370 हुए हैं जल्दी से कम 400-500 तो कंप्लीट करा दो, तब से तसल्ली तो मिले। ठीक है, और ठीक फिर मिलते हैं नए ब्लॉग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सब लोग अपना ख्याल रखें, और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान दें हेल्थ का इस टाइम पर, और बस अल्लाह हाफिज़।